आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। और मैं बार बार इनसे कहता हूँ तो बोलते हैं कोई ना कोई वॉल ऑपरेट कर देता है, तो तुम्हारे वॉलमैन क्या कहते हैं, झक मराते हैं क्या? वॉलमैन कहाँ सोते रहते हैं कि हमारी बहनें रोजा रख करके आज पहला रमजान है, पहला दिन है और यहाँ पर आकर के पानी परोठा पर अपने घरों के लिए पानी के लिए तरस रही है। कैसे वो रोजा रखेंगी, कैसे नहाएंगी, कैसे वजू करेंगी? मस्जिदों में पानी नहीं है, टैंकर जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, अरे रमजान में रोजा खोलने के लिए पानी नहीं, शर्म की बात है। इनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये टैंकर यहाँ कल से दिखना नहीं चाहिए, ये तो पूरा रोड है, जाम कर दिए जाएंगे हम लोग। वोट लेना होता है, सब करना होता है और पानी के टाइम पे मुसलमानों के साथ ऐसा करते हैं। रमजान में हम लोगों को तकलीफ दी जा रही है, हम रोजा रहकर इधर आए हैं और हमारे कॉर्पोरेटर ये हैं, हम इनको पकड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि जफर भाई पानी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है एकदम। जो आप नए नए टीएमसी बिल्डिंगों का सेक्शन कर रहे हैं, अरे पहले मुमरा कौसा में पानी की एमएलडी तो बढ़ाओ, जितने लोग हैं उनको पानी तो मिल ही नहीं रहा है। ये नए नए प्रोजेक्ट आप बना करके दे रहे हो, लोगों को सेक्शन कर रहे हो, पानी किधर है? पानी का बिल हम भरते हैं, वो बिल काहे का है? फिर रमजान का एक दिन रह गया तो मोटर निकाल ले गए। और 50 लोग भरते हैं तो 5 लोग की वजह से 50 लोग को तकलीफ क्यों? और स्टार्ट में 5 से 10 मिनट पानी गंदा आता है, मैं तो बोलो कमिश्नर पानी पिला के पी के दिखाए मेरे। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इसमें मौजूद है मुमरा के पानी परोठा विभाग पर और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आज पानी के लिए आंदोलन हो रहा है। लोग पानी परोठा विभाग के सामने ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी यहाँ पर तमाम लोगों के साथ, स्थानीय महिलाएँ तमाम हैं यहाँ पर जो पानी के लिए यहाँ पर आज आंदोलन कर रही हैं, बैठी हुई हैं। दरअसल रमज़ान का महीना आज से शुरुआत हुआ है और पानी की किल्लत जो है काफ़ी है शहर में, और अब जो है रमज़ान के महीने में लोगों को पानी की काफ़ी ज़रूरतें हैं और ऐसे टाइम पे पानी की किल्लत हो रही है। जफर भाई, आज आप लोग पानी के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, कौन से एरिया से आए? हम लोग देखिए शादी महल रोड, मुमरा इंग्लिश स्कूल रोड, एमटीएनएल कंपाउंड, शरीफा रोड, किस्मत कॉलोनी। हमने रमज़ान में भी कई बार, रमज़ान से पहले हमने इनको कई बार वार्न किया था ऑफिसरों को कि भाई देखिए हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है और रमज़ान का पवित्र महीना आ रहा है। अब की बार जब से 15-20 दिन पहले जब से शटडाउन हुआ है, शटडाउन होने के बाद ये एरिया से पानी गायब हो गया। मेरा समझ में नहीं आता कि जो पानी आ रहा था अचानक पानी गायब कहाँ चला, कहाँ हो जाता है, कहाँ ये पानी है? और मैं बार बार इनसे कहता हूँ तो बोलते हैं कोई ना कोई वॉल ऑपरेट कर देता है, तो तुम्हारे वॉलमैन क्या कहते हैं, झक मराते हैं क्या? वॉलमैन कहाँ सोते रहते हैं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पानी किस तरीके से पहुँचाए। बहुत प्रॉब्लम है। मैं कमिश्नर साहब को 4 दिन पहले जाकर के TMC कमिश्नर साहब को मिला, विनोद पवार साहब को मिला, सालोंके साहब को मिला, लेकिन पानी का मसला नहीं हल हो रहा है। इसके लिए मजबूरी में आज पहला रमज़ान है। बड़े अफसोस की बात है और बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारी बहनें रोज़ा रख करके आज पहला रमज़ान है, पहला दिन है और यहाँ पर आकर के पानी परोठा पर अपने अपने हक के लिए, अपने अपने मोहल्ले के लिए, अपने घरों के लिए पानी के लिए तरस रही हैं। कैसे वो रोज़ा रखेंगी, कैसे नहाएंगी, कैसे वजू करेंगी? मस्जिदों में पानी नहीं है, टैंकर जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है इस्लामुद्दीन भाई, ये बहुत अफसोस की बात है। और कोई मसला हल नहीं हो रहा है, शहर में लड़ाई दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है पानी नहीं है। आपके यहाँ जो झाड़ू वाले, गटर वाले आते हैं ना सफाई करने वाले, शहर में वो भी बंद है, इसकी कोई बात ध्यान नहीं दे रहा है और वे को दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोग यहाँ पर जमा होकर के आए हुए हैं। हम जब तक आज हमको सही से
सही जवाब नहीं मिलेगा और यह हमारा मसला हल नहीं होगा। और टैंकर हमको नहीं चाहिए, हमको पानी का पानी जो हमारी पानी की नल है उसमें पानी आना चाहिए। हम उसके लिए यहाँ पर जमा होकर के आए, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ के ऑफिसर आकर के ये मसले का हल नहीं करेंगे। कल से भाई ये टैंकर यहाँ दिखना नहीं चाहिए भाई, कल से यहाँ पे टैंकर दिखना नहीं चाहिए भाई। लेकिन हमारे रमजान में रोजा खोलने के लिए पानी नहीं, शर्म की बात है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाई। ये टैंकर यहाँ कल से दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा रोड है जाम कर दिए जाएंगे हम लोग। जफर भाई, दो दो तरफ से नेताओं का टकराव हो रहा है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, एक तरफ विधायक है, एक तरफ नजीब मुल्ला है, लेकिन पानी और झाड़ू का समस्या मुमरा का हल नहीं हो रहा है। विधायक के तरफ से तो बड़े दावे किए जा रहे हैं, नहीं तो उनका हम लोग लगाएंगे भाई, हम लोग क्या काम है ना, उनको चुनके दिए ना, उनको चुना के हम लोग दिए तो आप चुनके दिए ना, आप चुनके दिए तो उनसे भी पूछो ये बात, जब वो इतनी बातें पूछ रहे हैं उनसे भी पूछो आप वोट देते हो कि नहीं। अरे हम दे रहे तो हम लोग देंगे, यहाँ बैठे देखो पानी के लिए, यही काम हमारा। आप भी पूछो, आप भी पूछो उन जिनको वोट देते हो ना, सुनो जिनको वोट देते हो ना उनसे आप पूछो कि हमारे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है। आप जरा उनसे पूछो ना, तो आप मुझे वोट दिए थे, आप मुझे वोट दिए थे तो आपको वोट दी, तो आप हमसे क्यों पूछो, जिसको वोट दिए उससे पूछो ना। हम लोग को भी तो तकलीफ, हम औरतों को ना देने के बाद वोट भी यहाँ पर, वही पूछ रहा हूँ ना, जिसको वोट दिए वो बड़े बड़े दावे किए थे ना कि पानी आएगा, आपको हर सुविधा मिलेगा। बड़े बड़े तो करते हैं, अभी क्या करेंगे, बड़े बड़े बातें करके हम लोग को यहाँ के बिठा दिए लोग ने, सब वोट दिए थे, इनको वोट दिए थे हमने, वो आपके लिए जफर भाई को लड़ रहे हैं ना, वो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी सुनवाई है, यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है भाई, वोट लेना होता है, सब करना होता है, और पानी के टाइम पे मुसलमानों के साथ ऐसा करते, ये तो मुसलमानों के साथ में ज्यादती है ना, क्या रमजान में हम लोगों को तकलीफ दी जा रही है, ये क्या बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारी माँ बीमार है, हम कहाँ से पानी लाएंगे, हाँ ये ऐसा करते हैं क्या, पानी पानी सुनिए ना सुनिए, पानी जो है वो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, या जो रहा है आप चलकर देखिए हमारे घरों में, हम रोजा रहकर इधर आए हैं, नहीं तो हमको आने की जरूरत ही, रोजा रहकर यहाँ पर, हम रोजा रहकर यहाँ पर आए बोलने के लिए, और हमारे कारपोरेटर ये हैं, हम इनको पकड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि जफर भाई पानी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है एकदम, ये बात बिल्कुल सही बात है। जब से आपकी बार शटडाउन लिया गया है, जब से पूरा इंशा नगर, पूरा हमारे जो शादी महल के पीछे का एरिया है, वो पानी नहीं जा रहा है। किस्मत कॉलोनी का वही हाल है, शरीफा रोड का वही हाल है, MTNL कंपाउंड का वही हाल है, पानी कहाँ गया। और मैं थाने TMC के कमिश्नर तरफ से, मैं थाना कमिश्नर के थाना कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल्याण फाड़ा से मुमरा तक के में जो आप नए नए TMC बिल्डिंगों का सेक्शन कर रहे हैं, अरे पहले मुमरा कौसा में पानी की MLD तो बढ़ाओ, एक 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 कॉम्प्लेक्स में 500-500 घर बन रहे हैं, उनको पानी कहाँ से दोगे, उनका सेक्शन बंद करो, जितने लोग हैं उनको पानी तो मिल ही नहीं रहा है, ये नए नए प्रोजेक्ट आप बना करके दे रहे हो, लोगों को सेक्शन कर रहे हो, पानी किधर है। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, सरासर नाइंसाफ़ी रही है, यह हमारे साथ जुल्म हो रहा है। रमजान का पहला दिन है और हमको यहाँ आकर के बैठना पड़ रहा है, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। रमजान का महीना है और देखेंगे ये तमाम महिलाएं हैं जो पानी के लिए आज अपने घरों से निकल के और जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पानी का बिल बराबर देते हैं, पानी का बिल हम भरते हैं, वो बिल काय का है, फिर घर का टैक्स भरो, पानी का बिल भरो और इतनी तकलीफ उठाओ, फायदा क्या है फिर। आप ऑब्जेक्शन लो, बोलो साहब से, ये सब खड़े के मोटर इधर आ गए, इधर भी हम लोग देते हैं पानी का बिल पूरा क्लियर है, और उधर मेंटेनेंस भी देंगे, और रमजान का दिन है, कैसे क्या करेंगे हम लोग, ये बताओ पहले। गवर्नमेंट इतने परेशानी हालत में हम लोग हैं, ये लोग इन लोग को कुछ रहम है कि नहीं है। रमजान का एक दिन रह गया तो मोटर निकाल ले गए, कब निकाले, कल अभी परसों नरसों क्यों निकाले, बिल बाकी क्या, बिल वगैरह कुछ बाकी था।
बिल बिल्डिंग वालों का बाकी होएगा, लेकिन सबके साथ में हम लोग भी जा रहे हैं। लेकिन जफर भाई ये भी सामने आ रहा है बात कि अगर लोगों का जैसे बिल्डिंग में कनेक्शन है, किसी का पर्सनल है, तो बिल्डिंग के साथ साथ जो है वो पर्सनल कनेक्शन भी नहीं लेके जाना चाहिए। मैंने इनको महासभा में बोला है कि अगर जिसकी भी पानी की लाइन, जो जो बिल्डिंगों में इंडिविजुअल लाइन है, जो पानी का बिल नहीं भरता, आप उसके ऊपर व्यक्तिगत कार्रवाई करिए, आप पूरे बिल्डिंग के मोटर पर मत कार्रवाई करिए। लेकिन ये एक्सक्यूज कर देते हैं कि मोटर तो एक ही है, पंप रूम एक ही है, पानी वहीं से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इसके लिए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब को जाकर के वापस से मिलो और बोलो सर कि जिनकी लाइनें इंडिविजुअल है, अलग अलग सबको पानी का बिल आता है, अगर उसमें से 5 लोग पानी का बिल नहीं भरते और 50 लोग भरते हैं, तो 5 लोग की वजह से 50 लोग को तकलीफ क्यों? आप 5 लोगों पर कार्रवाई करिए, हकीकत बात है, ये सही बात है आवाम की, ये बात बिल्कुल जायज बात कह रही है इस्लामुद्दीन भाई। वो बिल्डिंग के 80% लोग बिल भरते हैं, तो बाकी के 20% अगर नहीं भरते हैं तो 80% वो चीज़ को क्यों भुक देंगे भाई? और स्टार्ट में 5 से 10 मिनट पानी गंदा आता है, भाई तो बोलो कमिश्नर पानी पिला के पी के दिखाए मेरे, यहाँ जितने भी अफिसर हैं इनको बुलाओ, अभी बोला रात को पानी चालू करो और पहला पानी पी के दिखाओ। बोला सागर सालू के साथ से बात, हाँ सागर सालू नहीं, राय सिंह साहब मौजूद है, सागर सालुंग के साहब एक्चुअली हाथ में उनका, तो थोड़ा 10 मिनट में आ रहे हो, 10 मिनट में वो यहाँ आ रहे हैं, बोले मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, आइए, मैं बोला मैं आपका वेट कर रहा हूँ सर 10 मिनट जी। पानी प्रोटोकॉल विभाग के जो अधिकारी हैं सागर सालुखे साहब, वो बता रहे हैं कि 10 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो पानी की समस्या है लोगों की। पूर्व नगर सेवक के साथ में तमाम महिलाएं, आज रमज़ान का पहला दिन है और वो सभी लोग यहां पर जो है पानी के लिए जो है हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन यहां पर कर रहे हैं।